कि 22 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान सूर्य और माँ सरस्वती की विशेष कर पूजा की जाती है। सरस्वती को विद्या और वाणी की देवी कहा जाता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की असली कहानी क्या है? इस शीर्षक से जुड़े कई सवाल कई लोगों को शुरुआत से ही परेशान करते आए हैं, जैसे कि क्या ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह करने जैसा निंदनीय काम किया था? क्या सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी नहीं पुत्री थी? अगर आप लोग इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सरस्वती पुराण को उठाएंगे तो आप उसमें ये पढ़ेंगे कि सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं बल्कि एक पिता ब्रह्मा थे। लेकिन माँ सरस्वती इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी उनके आकर्षक से खुद को बचा नहीं पाए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी सरस्वती को ही बनाने का फैसला किया। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को पहचानते हुए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर सरस्वती अपने पिता के साथ विवाह करने को राजी हो गई। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम मनु रखा गया। जानकारी दे दें कि मनु इस पृथ्वी के पहले मानव के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं ये भी बता दें कि अलग अलग पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी में स्पष्ट रूप से ये बात बताई गई है कि वो सरस्वती ही थी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करने में भगवान ब्रह्मा की मदद की थी। फाइनल कट न्यूज डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।